प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अपनी पहली चुनावी रैली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि अब तक जितने प्रधानमंत्री बने वो जितनी बार बस्तर आए होंगे उससे ज्यादा बार मैं आया हूँ। मैं जब आया खाली हाथ नहीं आया, विकास की कोई न कोई योजना लेकर आया हूँ ताकि आपके बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बने। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पंघाजू में एक चुनावी सभा में मोदी सरकार को राफेल डील और नोटबंदी पर घेरा। उन्होंने कहा कि दो साल पहले मोदी जी ने बिना किसी को बताए 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, गरीबों की जेब से पैसा निकाल लिया और नीरव मोदी और विजय माल्या को करोड़ों रुपए दे दिए, फिर ये लोग सब पैसा लेकर भाग गए। ये सब आपका पैसा था, इससे आपके बच्चों को शिक्षा मिल सकती थी। भारतीय सेना की ताकत में एक और इजाफा हो गया है। महाराष्ट्र के दबलाली में शुक्रवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में सेना को M777 होविट्जर तोप और K9 वज तोप सौंपी गई है। इस मौके पर सेना प्रमुख विपिन रावत भी मौजूद रहे। होविट्जर तोप की मारक क्षमता 50 से 40 किलोमीटर है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि हमें रिजर्व बैंक से 7 लाख करोड़ रुपए नहीं चाहिए। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग ने कहा कि मीडिया में बहुत सारे गलत कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का राजकोषीय गणित एकदम सही रास्ते पर है। कहा जा रहा है कि RBI से 3 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। नोटबंदी के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। 8 नवंबर को नोटबंदी के 2 वर्ष पूरे हो गए और इसको लेकर अभी भी राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक और सरकार इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे एक तुगलकी फरमान और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला कदम बता रही है। इसी कड़ी में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी का फैसला वैसे लोगों से प्रेरित था जो अर्थव्यवस्था और नकदी के बारे में अज्ञानी है। बता दें कि चिदम्बरम असम की राजधानी गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहे थे। इन दिनों देश के कई राज्यों के नाम बदलने को लेकर राजनीति हो रही है। इसी क्रम में हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर भी अब भाजपा नेता राजा सिंह ने मांग की है। राजा सिंह ने मांग की है कि हैदराबाद का नाम बदल कर भाग्यनगर किया जाए। इसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि हमें हैदराबादी होने पर गर्व है और यदि वे नाम बदलना चाहते हैं तो अपना नाम बदले, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। परिवार में चल रहे कलह की वजह से RJD सुप्रीमो लालू यादव की टेंशनें बढ़ गई हैं। रांची के रिम्स अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव का डिप्रेशन लेवल बढ़ गया है और उन्हें नींद नहीं आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बहू ऐश्वर्या के तलाक की खबर ने लालू का डिप्रेशन लेवल बढ़ा दिया है। चीन ओपन में तीसरी वरीयता प्राप्त भारत की PV सिंधु शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में हार गई। उन्हें चीन की ही बिंगजिया ने 1 घंटे 9 मिनट में 21-17, 17-21, 21-15 से हरा दिया। रूस की राजधानी मॉस्को में अफगानिस्तान में शांति के मुद्दे पर शनिवार को बातचीत होगी। मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स के नाम से होने वाली इस बैठक में अफगान तालिबान के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। भारत भी इसमें शामिल होगा। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में अफगान तालिबान के प्रतिनिधि और भारत के 2 रिटायर्ड अफसर मौजूद रहेंगे। यह पहली बार है जब भारत तालिबान के साथ मंच साझा कर रहा है।